दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। कंपनी का चार्ट आप देख पा रहे हैं क्या बेहतरीन, इसमें प्राइस एक्शन के बाद अपसाइड एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और जैसा हम इसका पिछला चार्ट भी देख सकते हैं तो इसमें जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये कंपनी नॉन स्टॉप हो चुकी है, अब तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों कंपनी की हम चार्ट एनालिसिस और उसके टारगेट एनालिसिस वीडियो के लास्ट में करेंगे, पहले चलकर हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता दोस्तों कंपनी का नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 360 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में आज एक अच्छी तेजी के बाद लगभग 10% की क्लोजिंग दी है। मार्केट का 7,877 करोड़ का है, स्टॉक पी 18 का है, काफी बेहतरीन है। आरओसी 17% एंड आरओई 23 का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 261 का इसका लो था और 417 रुपए का इसने हाई लगाया है। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक इंटीग्रेटेड एंड डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है, जिसमें आपका शुगर हुआ, इथेनॉल हुआ, इंजीनियरिंग तीनों ही सर्विसेस प्रोवाइड करती है। और ये शुगर केन रिच वेस्टर्न एंड सेंट्रल बेल्ट ऑफ यूपी में इस्टेब्लिश्ड है। और ये कंपनी जो टॉप 3 मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया की शुगर में, उनकी लिस्ट में आता है। और ये सेकंड हाईएस्ट सप्लायर है इथेनॉल का। बाकी दोस्तों इसके पिछले 5 सालों का चार्ट है और जैसा आप देखेंगे चार्ट पर एक अच्छी तेजी होती है, फिर कंसोलिडेट होता है, फिर तेजी होती है, फिर कंसोलिडेट होता है, तो इसी क्रम में ये चार्ट चलता है। बाकी अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने अपना डेब्ट रिड्यूस किया है। और इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसका जो पुअर सेल्स ग्रोथ रहा है पिछले 5 सालों में और पिछले 3 सालों में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग काफी कम करी है। इसका पीयर कंपैरिजन करें जैसा कि आपको पता है शुगर इंडस्ट्री में काम करती है, जिसमें आपका ईआईडी पैरी हुआ, श्री रेणुका, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान, बन्नारी अम्मान, डालमिया भारत जैसी एक से बढ़कर एक शुगर कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं, सब एक से बढ़कर एक है। इसके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो दिसंबर 2020 में 1,122 करोड़ था, दिसंबर 2021 में 1,116 करोड़, दिसंबर 2022 में 1,463 करोड़ और दिसंबर 2023 में 1,311 करोड़ का रहा हुआ। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ 95 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2021 में 130 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में 147 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में 137 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट में काफी अच्छी सुधार देखी गई। और इसके अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो उसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2011 में 1,705 करोड़ का था, मार्च 2015 में 2,061 करोड़, मार्च 2018 में 3,370 करोड़, मार्च 2021 में 4,674 करोड़ और अब तक बात करें तो 5,500 करोड़ की इसकी सेल्स ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 22 करोड़ का प्रॉफिट था सितंबर 2011 में, मार्च 2015 में माइनस का 152 करोड़, मार्च 2018 में 119 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 295 करोड़ का प्रॉफिट और करंट में बात करें 424 करोड़ का भी प्रॉफिट देखा गया है। तो देखें तो कंपनी की हालत धीरे धीरे सुधर रही है और अब काफी बेहतर हो चुकी है। बाकी अगर मैं सीएजीआर की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इसने 34% की रेट से, पिछले 5 सालों में 41% की रेट से, पिछले 3 सालों में 48% की रेट से और पिछले 1 साल में 25% की रेट से इसने रिटर्न दिया है, यानी कि इसने स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। इसके बोरोइंग की बात करें तो सितंबर 2021 में 826 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में 1,472 करोड़, मार्च 2018 में 1,240 करोड़, मार्च 2021 में 990 करोड़ और सितंबर 2023 तक सिर्फ और सिर्फ 391 करोड़ का ही डेब्ट बचा है। यानी कि देखें तो इसने लगातार अपना जो डेब्ट है वो कम किया है। वहीं पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 68% थी वो मार्च 2024 तक 60% पर रह गई, यानी कि काफी तेजी से प्रमोटर्स ने पोजीशन कम किया। एफआईआईज की बात करें तो 2.63% से 4.9% हुए, डीआईआईज 5.28% से 8.60% और पब्लिक की होल्डिंग 23% से 25% हुई है, यानी कि प्रमोटर्स ने अपना माल बेचा है और बाकी के सब ने माल खरीदा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग की अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो डिप्रिसिएशन इफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आरओई इसका बेहतरीन रहा है पिछले 10 सालों में, करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन में पिछले 3 सालों में हालत सुधर रही है, आरओसी इसका थोड़ा देखने लायक होगा। कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम हो, वर्किंग कैपिटल भी काफी अच्छा है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेस नहीं किया है, रिटेल की होल्डिंग भी ठीक ठाक है, कंपनी का जो डेब्ट है वो अब ग्रीन सिग्नल में आ चुका है, यानी कि डेब्ट काफी तेजी से कम किया है और प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो पिछले 90 दिनों में स्टेबल रही है। दोस्तों अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो इसका 100% मार्केट शेयर है बॉयलर फीड पंप्स में एंड 80% का मार्केट शेयर है हाई स्पीड गियर्स में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो शुगर 62.7%, एल्कोहल 30.2%, गियर्स एंड गियर बॉक्सेस 3.7%। सेगमेंट की बात करें तो शुगर में 58%, डिस्टिलरी यानी कि एल्कोहल 31.4%, पावर ट्रांसमिशन 4.1% एंड वाटर 3%। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से इसका 98% से ज्यादा का बिजनेस आता है और बाकी का बचा हुआ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से।
अब रेटिंग प्रॉफिट की बात करें, सुगर से इसको 63.1% का प्रॉफिट आता है, डिस्टिलरी से अराउंड 20% का प्रॉफिट, पावर ट्रांसमिशन 13.9% एंड वाटर 3.3%। इसके एसेट की बात करें तो सुगर 54.6%, डिस्टिलरी 25.5%, वाटर 14.2%, पावर ट्रांसमिशन 5.4% एंड 0.3% अदर। तो दोस्तों हम लोग त्रिवेणी इंजीनियरिंग चार्ट पर वापस आ चुके हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर एक लंबी रैली हुई, उसके बाद ये स्टॉक दोबारा इसने हाई लगाया और अब इसमें वापस से एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है और विथ वॉल्यूम हुआ है। तो वैसे अगर चाहे तो छोटा रिस्क लेकर यहाँ पर भी एक ट्रेड लिया जा सकता है 400 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 400 के लेवल का ब्रेकआउट होने दीजिए। वहां से जब ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले तो आप यहीं पर ले सकते हैं अगले टारगेट कम से कम 500 के लिए, और आप यहीं पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। बाकी दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपका खुद का रिस्क है, आपका खुद का रिवार्ड है, तो सोच समझ कर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।